मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में जुआ खेलने को महापाप की श्रेणी में रखा गया है और जुए का क्या परिणाम होता है ये तो हम सभी ने महाभारत में देखा ही है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें एक जुआरी को जुए में अपना सब कुछ गंवाने के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो मित्रों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। पौराणिक काल में कम्बुक नाम के नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। हरिदत्त की गिनती उस नगर के धनी लोगों में की जाती थी, लेकिन काफी धन दौलत होने के बावजूद उसे कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण वह दुखी रहा करता था। धीरे धीरे उसकी उम्र भी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से वह संतान की आस छोड़ चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और हरिदत्त को भी बुढ़ापे में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म के पश्चात हरिदत्त और उसकी पत्नी खुश रहने लगे और अपने पुत्र की भली भांति लालन पालन करने लगे। जब वह बड़ा हुआ तो हरिदत्त ने उसके लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था कर दी, लेकिन उसके पुत्र की संगत खराब हो गई, जिसकी वजह से वह जुआ खेलने लगा। एक दिन की बात है, हरिदत्त का पुत्र जुए में अपना सब कुछ हार गया, यहाँ तक कि अपने शरीर पर अपना पहना हुआ वस्त्र भी वह गंवा बैठा। इसके बाद उसे घर जाने में शर्म आने लगी, तो उसने निश्चय किया कि इस अवस्था में वह अपने माता पिता को अपना मुख नहीं दिखाएगा। फिर वह उस नगर से बाहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह मन ही मन सोचने लगा, वह कर भी क्या सकता है, इसलिए उसने अपनी जान देने का निश्चय कर लिया। किंतु जब हरिदत्त का पुत्र देवदत्त नगर के बाहर पहुंचा, तो उसे एक बहुत ही पुराना मंदिर दिखाई दिया जो खंडर बन गया था। टूटे हुए मंदिर को देखकर देवदत्त उस मंदिर में पहुंचा, जहां उसने देखा कि पुजारी भगवान की मूर्ति की पूजा में व्यस्त है। यह देख देवदत्त वहीं बैठ गया और पूजा संपन्न होने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद मंदिर का पुजारी जब पूजा खत्म कर बाहर आया, तो उसने देखा कि एक बालक उदास बैठा हुआ है। फिर वह देवदत्त के पास गया और प्रसाद देते हुए पूछा, पुत्र तुम कौन हो और यहाँ इस अवस्था में क्यों बैठे हो? तो देवदत्त ने रोते हुए पूरी बातें बता दी। देवदत्त की बातें सुनकर पुजारी ने कहा, पुत्र जब जुए जैसी बुरी आदत के कारण तुमने अपना सब कुछ गंवा ही दिया है, तो वह अब तो वापस आ नहीं सकता, परंतु मेरा कहा मानो तो पुरानी सारी बातें भूल जाओ और मेरे पास रहकर खुद में परिवर्तन लाने की चेष्टा करो। मैं तुम्हें इष्ट साधना की विधियां बता दूंगा, यदि तुमने वह इष्ट की सिद्धि प्राप्त कर ली तो फिर संसार का समस्त वैभव तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। यह सुन देवदत्त बोल पड़ा, हे ब्राह्मण, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तब पुजारी ने कहा, वत्स, इसके लिए तुम्हें कठोर साधना और मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। जिस तरह मैंने कड़ी साधना करके भूत प्रेतों को वश में कर सिद्धियां प्राप्त की हैं, उसी तरह तुम्हें भी कठोर साधना कर सिद्धियां प्राप्त करनी होगी। यह सुन देवदत्त बोला, ठीक है गुरुवर, मुझे इसकी विधि विस्तार से बता दीजिए। उसके बाद अगली रात वह पुजारी देवदत्त को शमशान के बाहर एक वट वृक्ष के नीचे ले गया और मंत्र पढ़कर खीर और नैवेद्य उस वट वृक्ष की जड़ के चारों ओर बिखेर दिया। फिर उसने देवदत्त से भी ऐसा करने के लिए कहा। इसके बाद पुजारी ने कहा, अब तुम इसी भांति पूजा करो और यह कहते रहो, हे देवी विद्युत प्रभा, मेरी पूजा ग्रहण करो। उस दिन से देवदत्त मंदिर में रहता हुआ उसी की भांति विद्युत प्रभा की आराधना करने लगा। कई दिन की कठिन साधना के बाद आखिर एक रात उस वट वृक्ष का तना फटा और एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस स्त्री ने देवदत्त से बोला, हे युवक, मेरी स्वामिनी तुम्हारी आराधना से प्रसन्न है, उन्होंने तुम्हें अपने पास बुलाया है, मेरे साथ चलो। इसके बाद देवदत्त उस दिव्य स्त्री के साथ वट वृक्ष के फटे हुए तने के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वह एक मणियुक्त भवन में पहुंच गया, जहां उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रत्न से सजे हुए सिंहासन पर बैठी हुई है। तभी उस स्त्री ने कहा, आओ युवक, हमारे कक्ष में तुम्हारा स्वागत है, और मेरा नाम विद्युत प्रभा है, मैं यक्षराज की पुत्री हूँ। देवी विद्युत प्रभा को अपने सामने देख देवदत्त उसके सामने नतमस्तक हो गया और बोला, हे देवी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, कृपया मेरे योग्य कोई सेवा बताइए। तब देवी विद्युत प्रभा बोली, तुम मुझे बहुत पसंद हो, अतः मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शादी करो और यहीं रहो। देवी की बात सुनकर देवदत्त बोला, आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। उसके बाद देवदत्त विद्युत प्रभा से विवाह करके वहीं उसके पास रहने लगा। कुछ सालों बाद देवदत्त देवी विद्युत प्रभा से आज्ञा लेकर गर्भागार से बाहर निकला और मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा और बीती सारी बातें बता दी। यह सुनकर पुजारी बोला, वत्स, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब किसी तरह उस यक्षिणी का पेट फाड़ कर उसका गर्भ ले आओ, यदि तुमने ऐसा करने से इनकार किया तो मैं तुम्हें अपनी सिद्धि शक्ति से भस्म कर दूंगा। यह सुन देवदत्त दुखी भाव से पुनः विद्युत प्रभा के पास पहुंचा, लेकिन विद्युत प्रभा अपनी शक्ति से देवदत्त के मन की बात जान गई और बोली,
मैं जानती हूँ कि तुम्हें उस पुजारी ने मेरा गर्भ लाने को कहा है ताकि वह मेरे गर्भ का भक्षण करके असंख्य सिद्धियां प्राप्त कर ले। फिर थोड़ी देर बाद देवी विद्युत प्रभा बोली, देवदत्त आगे बढ़ो और मेरा पेट फाड़कर मेरा गर्भ निकाल लो। लेकिन देवदत्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब विद्युत प्रभा ने स्वयं ही अपना पेट फाड़कर अपना गर्भ निकाला और उसे देवदत्त को देकर कहा, देवदत्त लो इस गर्भ को ले जाओ, जो भी कोई व्यक्ति इस गर्भ का भक्षण कर लेगा वह सिद्ध विद्याधर हो जाएगा। पूर्व काल में मैं स्वयं भी एक विद्याधरी थी, लेकिन एक शाप के कारण मुझे यक्षिणी की योनि में जन्म लेना पड़ा। अब मेरे उस शाप का अंत हो गया है, अब मैं पुनः अपने विद्याधर लोक को लौट रही हूँ। इतना कहकर विद्युत प्रभा अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद दुखी मन से देवदत्त विद्युत प्रभा के गर्भ को लेकर पुजारी के पास पहुंचा, जिसे देख पुजारी प्रसन्न हो गया और बोला, वत्स अब जल्दी से जंगल में जाकर लकड़ियां चुन लाओ, मैं इस गर्भ को आग में भूनूंगा, भून जाने पर दोनों प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करेंगे। पुजारी की बात सुनकर देवदत्त बोला, मैं इस कार्य में आपका सहयोगी नहीं बन सकता। यह सुनते ही क्रोध से पुजारी की आंखें जलने लगी। फिर उसने देवदत्त से कहा, देवदत्त मैंने जो कुछ कहा है तत्काल उसका पालन करो, अन्यथा मैं तुम्हें अभी यमलोक पहुंचा दूंगा। मृत्यु के भय से देवदत्त भी तत्काल लकड़ियां चुनने के लिए जंगल में चला गया। जब वह लकड़ी लेकर जंगल से लौटा तो उसने पुजारी को वहां से गायब पाया। देवदत्त समझ गया कि पुजारी ने उसके साथ धोखा किया है। यह सब जानकर देवदत्त ने निश्चय कर लिया कि पुजारी की इस धूर्तता की सजा वह उसे अवश्य देगा। तब उसने अपने अभीष्ट मोह प्रेत को सिद्ध करने का निश्चय कर लिया। वह वट वृक्ष के नीचे बैठ गया और मंत्र पढ़ पढ़कर अपने शरीर का काफी मांस काटकर महाप्रेत का आह्वान करने लगा। इस प्रकार जब वह अपने शरीर का मांस प्रेत राज की भेंट चढ़ा चुका तो उसके कृत्य से प्रसन्न होकर महाप्रेत प्रकट हुआ। उसने कहा, देवदत्त अब बस करो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो। प्रेतराज की बातें सुनकर देवदत्त बोला, हे प्रेतराज पुजारी ने मेरे साथ छल किया है, बताओ वह पापी कहाँ है। तब प्रेतराज ने अपनी योग दृष्टि से देखकर बताया कि वह पुजारी इस समय विद्याधर लोक में विद्युत प्रवाह के महल में है और देवी विद्युत प्रवाह से अपने प्रेम स्वीकार कर लेने का आग्रह कर रहा है। यह सुन देवदत्त बोला, हे प्रेतराज मुझे तुरंत विद्याधर लोक पहुंचाओ। उसके बाद महाप्रेत के कंधों पर बैठकर देवदत्त आकाश मार्ग से विद्याधर लोक में पहुंचा। महाप्रीत ने उसे देवी विद्युत प्रवाह के महल के प्रांगण में उतार दिया और अदृश्य रूप में एक ओर खड़ा हो गया। उसने देखा कि पुजारी विद्युत प्रवाह से अपनी पत्नी बन जाने का आग्रह कर रहा था और विद्युत प्रवाह बार बार उससे इनकार कर रही थी। तब पापी पुजारी उससे बलात्कार करने के लिए उद्यत हो गया। विद्युत प्रवाह उसकी पकड़ से छूटकर इधर उधर भागने का प्रयास करने लगी। तभी उसकी नजर देवदत्त पर पड़ी और वह जोर से चिल्ला पड़ी, देवदत्त मुझे इस पापी से बचाओ, यह दुष्ट मेरे साथ बलात्कार करने की चेष्टा कर रहा है। यह सुन देवदत्त की आंखों में खून उतर आया। उसने विद्युत प्रवाह को एक ओर किया और पुजारी से भिड़ गया। लेकिन कुछ ही देर में देवदत्त की शक्ति जवाब देने लगी। यह देख महाप्रेत उसकी मदद के लिए उपस्थित हुआ। उसने पूजा की वह चमत्कारी तलवार देवदत्त को दे दी जिसमें जलपात की समस्त सिद्धियां समाहित थीं। और महाप्रेत यह जानता था कि यह चमत्कारी तलवार पुजारी की जान है। फिर महाप्रेत ने देवदत्त से कहा, देवदत्त जब तक यह इसके पास में रहेगी यह अजय रहेगा, कोई शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, अतः अब तुम इसी के शस्त्र से इसका विनाश कर डालो। चमत्कारी तलवार हाथ में आते ही देवदत्त में बल का संचार हो गया। वह पूरी शक्ति से पुजारी से लड़ने लगा और देखते ही देखते उसने पुजारी को परास्त कर दिया। परंतु जब वह पुजारी का वध करने ही वाला था, विद्युत प्रभा रोकते हुए बोली, नहीं देवदत्त यह अधर्म का कार्य मत करना, यह पापी एक ब्राह्मण है, यदि तुमने इसका वध कर दिया तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। इस स्थान पर महामाई पार्वती निवास करती हैं, तुम्हारे द्वारा इसकी हत्या हुई तो वे अप्रसन्न हो जाएंगी और तुम्हें शाप दे देंगी, अतः अपनी तलवार इसकी गर्दन से हटा लो। विवश होकर देवदत्त ने अपनी तलवार की नोक पुजारी की गर्दन से हटा ली। यह देख महाप्रेत बोला, देवदत्त अब इस तलवार का स्पर्श इसके मस्तक से करो, ऐसा करते ही इसकी शेष शक्तियां भी इस तलवार में समाहित हो जाएंगी, तब यह एक असहाय व्यक्ति बनकर रह जाएगा, तब सभी शक्तियां छिन जाने के कारण यह तुम्हारा कोई भी अहित नहीं कर पाएगा। इसके बाद देवदत्त ने वैसा ही किया। शक्तियां छिनते ही जलपाद एक सामान्य आदमी बन गया। तभी वहां महामाता पार्वती प्रकट हो गई। वह देवदत्त से बोली, हे ब्राह्मण पुत्र पुजारी का वध न करके तुमने मेरे इस पवित्र स्थान की मर्यादा का मान बढ़ाया है, मैं तुम्हारे इस कृत्य से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें कैसा भी वर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। तब वह करुण स्वर में बोला, हे माँ जगत जननी आपका दर्शन पाकर मेरा तो जीवन धन्य हो गया, आपका दर्शन पाकर कुछ और मांगने की मेरी इच्छा ही शेष नहीं बची है। इसके बाद माता पार्वती ने देवदत्त को विद्याधर लोक का राजा नियुक्त कर दिया। उसके बाद अनेक वर्ष तक विद्याधर लोक में रहने के कारण वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया।
जब उसका अंत समय आया तो देवदूत उसे लेने के लिए स्वयं आए। देवदत्त को स्वर्ग में स्थान मिला। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ अब मुझे इजाजत दें, मैं फिर लौटूंगा ऐसी कुछ और ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल द डिवाइन टेल्स।